वर्षों की प्रतीक्षा के बाद संतों की, साधकों की, योगियों की, तपस्वियों की भूमि रहा है भारत, ऋषियों की चैतन्यता की साक्षी रहा है भारत, एक अलौकिक सौभाग्य का साक्षी बनने जा रहा है। आज भारत भूमि अपने सौभाग्य को सराह रही है जब जन जन के हृदय पर राज करने वाले राम, तुलसी के राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भारत की आस्था पर विजय पाने वाले राम, कण कण में व्याप्त भगवान राम, भारत के राम, हिमालय के राम, गंगा के राम, दुनिया के राम और दिग दिगंत तक गुंजायमान होने वाले राम, उनकी चरण धूलि को दोबारा स्वीकार कर पाने का सौभाग्य अयोध्या के पावन धाम को मिलने जा रहा है। आंखें नम हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, सर झुके हुए हैं और कान सिर्फ एक ही शब्द की प्रतीक्षा में हैं कि बस कुछ दिन और भगवान फिर आएंगे। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपोभूमि, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी ने जिस भूमि को अपनी ज्ञान कर्म संकल्प तप भूमि के रूप में प्रतिष्ठित किया, उस भूमि से आज करोड़ों गायत्री परिजनों के हृदय से एक ही स्वर निकल रहा है, एक ही उद्घोष निकल रहा है, राम और श्री राम एक हैं। हमारे लिए तो एक ही है। आज न केवल भगवान राम इस धरती को धन्य बनाने के लिए आ रहे हैं, बल्कि हर भारतवासी को, हर परिजन को जगाने, झकझोरने, एक ही चीज़ की याद दिलाने आ रहे हैं कि राम आ रहे हैं, बस राम राज्य का आना बाकी है। 22 जनवरी 2024 का पावन दिन इतिहास के पृष्ठों में अंकित हो इस दृष्टि से कि इस दिन भारत ने करवटें बदली थी, भारतीय स्वाभिमान का उदय हुआ था, भारतीय सौभाग्य का सूर्योदय हुआ था। वर्षों पहले पूज्य गुरुदेव जब युवा थे, उनकी कलम से क्रांति फूटी थी, कविता निकली थी, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना, कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिंस कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा, प्रलय मरुत हो बंद प्रचंड बवंडर के झोंके आवें, शांत हिमालय फटें चूर हो टकरावें, परिवर्तन निश्चित है बहरे सुने आंख अंधे खोलें, सोने वाले उठें सिपाही जागें सावधान हो लें। समय परिवर्तन का है। उन सभी देवात्माओं को, हुतात्माओं को हम लोग नमन करते हैं जिनकी सांसें, पसीना और लहू इस मंदिर की नींव से लेकर शिखर को बनाने में लगे। अंतिम बार ये बयार भारत की भूमि पर तब बही थी जब समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य का समय था और तब भारत की जनता को ये सौभाग्य मिला कि अश्वमेध की पावन लपटों के दर्शन हो सके, राष्ट्रम वाष्ट्रमेधः। उससे पहले ये सौभाग्य तब मिला जब भगवान राम रावण का अंत करने के बाद अश्वमेध करने के लिए गए, और ये एक दुर्लभ सौभाग्य कह लूँ या फिर ऋषि लोक से उतरा मंत्र कह लूँ या विधाता का लिखा विधान कह लूँ कि भगवान राम के अवतरण की तिथि सुनिश्चित हुई, उसके साथ ही गायत्री परिवार के अश्वमेध की तिथि भी सुनिश्चित है। तो हम लोगों के लिए तो ये दिन, ये समय दोहरी उमंग और दोहरे उत्साह का है। उस दिन हर गायत्री परिजन पूज्य गुरुदेव के स्वर में गायत्री मंत्र के स्वरों के साथ अपने स्वरों को मिलाकर दिन की शुरुआत करे, अखंड जप हो, यज्ञ में विशेष आहुतियाँ डले, दिन का अंत वंदनीय माता जी की आरती के साथ अपने स्वरों को मिला करके हो, और उस दिन सौभाग्य के साथ संकल्प का भी उदय हो। संकल्प ये ले कि देश को व्यसन से मुक्त बनाए, नारियों को सम्मान के शिखर पर पहुँचाएँ और पर्यावरण बचाएँ, मंदिर जरूर जाएँ पर पॉलिथिन नहीं लाए, एक वृक्ष अवश्य लगाए। इस संकल्प के साथ गायत्री परिजन अपने हृदय में इस दिन को प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं, दिन में दिल में उसी हस्ताक्षर को अंकित करने जा रहे हैं। अंत में दिनकर की पंक्तियाँ याद आती हैं जो लगता है इसी दिन के लिए लिखी गई। वर्षों पहले उन्होंने लिखा था, आओ कवियों जयगान कविता तानो, आओ कवियों जयगान मंगल गान गाओ, आ रहा देवता तुम उसको पहचानो, है एक हाथ में परशु एक में कुश है, आ रहा भारत का भाग्य पुरुष है, अंगार हार अर्पो अर्चना करोरे, आँखों की ज्वालाएं देख मत डरोरे, सच है
आंखों में आग लिए आता है पर हां स्वदेश का भाग लिए आता है। वो दिन आ रहा है, हम सब की ओर से अनेक अनेक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। प्रणाम। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।